नमस्कार, डिफेंस ज्ञान और भारत दर्शन में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक चतुर्वेदी, आज आपको मार्क टू जो GSF की बनी हुई है, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की, और मार्क थ्री जो 2022 में लॉन्च हुई 10-8, दोनों का कंपेरिजन बताऊंगा। दोनों में मूल क्या अंतर होते हैं, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये जो हमारी ऑर्डिनेंस की पिस्टल है, जैसा कि आप देख रहे हैं 2018 की बनी हुई है, मार्क टू है। इसमें जो हमारी पुरानी पिस्टल थी मार्क वन में हम यहाँ से खोलते थे, दोनों हाथ लगाना पड़ता था, उसको इन लोगों ने हटा के पुश बटन दिया हुआ है और उसके साथ इसमें रिलीज स्प्रिंग दिया हुआ है, जिसकी मदद से हम लोग ये हमारी मैगजीन ऐसे निकलती है, हाथ नहीं लगाना होता है, और हैमर दिया हुआ है। बाकी सब कुछ बेहतर है, जो पहले यहाँ से स्प्रिंग गार्ड निकल जाता था, ये इसके लिए इन्होंने यहाँ पे लॉक की व्यवस्था कर दी है। ये सब काफ़ी सुधार किए हैं, लेकिन कुछ डिमेरिट भी है, जैसे कि फायर करते वक्त अगर पुश बटन हमसे दब जाता है तो ये मैगजीन निकल जाएगी। ये सब तमाम चीज़ें हैं, फिर बाद में कंपनी ने जिसको चेंज करके और फिर मार्क थ्री निकाला है। मार्क थ्री में भी इन्होंने पुश बटन दिया हुआ है, कैपेसिटी मैगजीन की इन्होंने बढ़ा के 10 गोली कर दी है, और बैरल की जो लंबाई है वो लगभग यही कोई 5 mm के करीब बढ़ा दी है, जिससे थोड़ी रेंज ज़्यादा हो गई है। पहले इस पिस्टल की मारक क्षमता जो थी 18 मीटर थी, और 940 फुट प्रति सेकंड की स्पीड से इसकी मजल वेलोसिटी है, स्पीड से गोली जाती है, और दोनों में कारतूस वही यूज होते हैं, 32 बोर 7.65 ऑटोमेटिक कोल्ट पिस्टल के जो कारतूस होते हैं, वही दोनों में गोली सेम है। और आप देख रहे हैं ये मैक्री की वीडियो मैंने पहले अपने वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ, और इसके बारे में भी बता ही चुका हूँ। मार्क 1M जो आई थी, जिसको कुछ लोग मार्क 3 कहते हैं, तो दोनों पिस्टल के बारे में बता ही चुका हूँ, कोई बहुत अंतर नहीं है। इसकी मारक क्षमता 18.5 मीटर है, इसकी मारक क्षमता 25 मीटर है, इसकी कैपेसिटी 10+1, इसकी 7+1, और दोनों के एक्शन सेम हैं, दोनों सिंगल एक्शन पिस्टल हैं जो रिक्वायर स्प्रिंग से चलते हैं, सेमी ऑटोमेटिक। और ये वीडियो बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य जानकारी देना होता है, हम किसी प्रकार के गन कल्चर, शस्त्र कल्चर को बढ़ावा नहीं करते हैं। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।